2024 में 101% सहारनपुर लोकसभा नंबर वन हम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी योगी जी की गोद में डालने का काम करेंगे। इस बार जनता को बीजेपी को ही समर्थन करना चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है विकास में, सहयोग में। तो पहले तो यहाँ पे विधायक तो समाजवादी पार्टी के बने थे, वो गलती से बनाया ना जनता ने। अच्छा। गलती से बनाया वो विधायक। अच्छा, वो तो कुछ भी नहीं करता है, यहाँ ना विकास है, कुछ भी नहीं है, किसी का फोन भी नहीं उठाता वो। तो केवल अपने आप को बचाने के लिए अभी भी MLC बचे हुए हैं, वरना उनकी मानसिकता तो आज भी वही है, हिंदू विरोधी और दिखाने को हिंदू समाज को के नहीं। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की नंबर एक विधानसभा बेहट में। बेहट हालांकि समाजवादी पार्टी का कब्जा है, यहाँ पर जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी से आते हैं, लेकिन आज हम यहाँ की जो जनता है उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे 2024 के चुनाव में आखिर वो केंद्र में या फिर सहारनपुर की बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहाँ पर किसको देखना चाहते हैं और इस बार जो जीत का सहरा है वो किसके सर सजेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हम बेहट के जो मतदाता हैं उनसे यहाँ पर बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का कब्जा है उत्तर प्रदेश की नंबर एक विधानसभा में, क्या लगता है कि 24 के अंदर क्या कुछ पलटी मरवाओगे आप लोग? ये चुनाव देश का चुनाव है, विधानसभा चुनाव में कुछ स्थानीय मुद्दे रहते हैं जिनसे ये सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। इस बार 2024 में 101% सहारनपुर लोकसभा नंबर वन हम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी योगी जी की गोद में डालने का काम करेंगे, जिसका मेन कारण उनकी जीत का कारण हर 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 घर में गंगा विकास की बह रही है, चारों तरफ चौमुखी विकास है, हर आदमी को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा जो 500 वर्ष से राम मंदिर का चला आ रहा था वो पूरा हो चुका है। तो इस बार पूरा वोट का अधिकार, एक एक वोट का अधिकार मोदी जी को है, हम पूरा का पूरा वोट बेहट विधानसभा से जिताकर भेजने का काम करेंगे। चलिए, आप क्या समझते हैं क्या होगा इस बार 24 में? इस बार मोदी जी का ही समर्थन रहेगा और मोदी जी इस बार आएंगे। मोदी जी का विकास है और राम मंदिर का निर्माण हुआ है देश में और कानून व्यवस्था बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत ज़बरदस्त हुई है। आज हम यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, विकास भी बहुत हो रहा है, सड़कें अच्छी बन रही हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई है, सरकारी दफ्तरों में काम ठीक हो रहा है। तो इस बार हमारा समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। क्या लगता है कि जो बेहट है ये समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, तो क्या इस बार जो बेहट की जनता है वो कुछ अलग करके दिखाएगी क्या? जी बिल्कुल, करना भी चाहिए। इस बार जनता को बीजेपी को ही समर्थन करना चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है विकास में, सहयोग में और कानून व्यवस्था में, ये सब काम अच्छी बीजेपी गवर्नमेंट ही कर रही है। ठीक है, आए चाचा, किसको जिताओगे इस बार? वही तो जीतते हुए हैं बीजेपी वाले भाई। कैसे जीत गए? अच्छा जीत गया, काम ठीक हो रहे हैं जी। अच्छा, काम बढ़िया हो रहे हैं। बढ़िया काम हो रहे हैं, क्या क्या काम हो गया आपका? सारे काम हो रहे हैं, बिजली क्या बढ़िया आ रही, सड़क बढ़िया, गेहूँ चावल ठीक मिल रहे और कोई दिक्कत ही नहीं है, डर भाव है ही नहीं किसी सरकार में। अच्छा, हाँ जी, सरकार में कोई डर भाव नहीं है। बेहट के ही आप रहने वाले? हाँ, जसमोर का हूँ जी। अच्छा, तो पहले तो यहाँ पे विधायक तो समाजवादी पार्टी के बने थे, वो गलती से बनाया ना जनता ने। अच्छा। गलती से बनाया वो विधायक। अच्छा, वो तो कुछ भी नहीं करता है, यहाँ ना विकास है, कुछ भी नहीं है, किसी का फोन भी नहीं उठाता वो। चलिए, और लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ बेहट के ही हैं क्या रहने वाले? सहारनपुर से ही हैं? ठीक है, ये बताइए कि इस बार 2024 के चुनाव में कौन आ रहा है? हम इस बारे में पता है जी कुछ क्यों ना, राजनीति में ध्यान दे, हम अपना काम से काम है, मतलब बस वोट नहीं डालते। हाँ, वोट डाल लें। किसे डालते हो? पहले भी इनके बीजेपी को घेरा, समाजवादी को दे दिया, कांग्रेस को भी, BSP को दे दिया। अच्छा, अच्छा कौन लगा सब में? सर अच्छे ही है, अपना करना खाना, किसे लेना नहीं हमें तो। अच्छा, बस चलिए और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। आप बेहट के ही हैं रहने वाले? हाँ जी, बेहट के। अच्छा, क्या लगता है 2024 में क्या होगा, इस बार कौन जीतेगा? योगी जी जीतेंगे। हैं? योगी, योगी जी या मोदी जी? योगी मोदी दोनों एक ही तो हैं। अच्छा, सरकार भाजपा की बनेगी क्या? जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो बेहट है आपका, यहाँ तो समाजवादी पार्टी पड़े हो 100%। अच्छा, चलिए यहाँ के बेहट के और लोग भी हैं उनसे पूछेंगे। आप बताइए 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ राय है आपकी?
ये चलिए ये बात करना नहीं चाह रहे हैं, कुछ युवा हैं यहाँ से, बात किसको मानते हैं इस बार क्या होगा? देखो जी, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, जैसे हमने पहले भी सरकारें देखी है, और इस सरकार में एक तो सबसे अच्छी बात है कि क्राइम खत्म होता जा रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा राम मंदिर का, वो भी खत्म हो चुका है, हमारा राम मंदिर बनते जा रहा है, और अगला मुद्दा हमारा ज्ञानवापी का है, उसमें भी चल रहा है काम, फिर मथुरा में करेंगे, और आने वाले टाइम में भाजपा ही आएगी। सबसे अच्छी सरकार है, बढ़िया काम कर रही है। और लोग भी हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे, उनसे भी एक चीज़ जाने को। हरीश जी एक बात बताइए, जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कल उन्होंने महासचिव पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन MLC अभी भी हैं वो। ये केवल और केवल पैसा कमाने के लिए उन्होंने अभी भी रुके हुए हैं, पार्टी छोड़ दी, पार्टी भी उन्होंने फटी को, जनता ने हिंदू समाज ने जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी में गए तभी से हिंदू विरोधी जितने भी कार्य हैं या भाषणबाजी जितने भी अपने मन से देते हैं हिंदू विरोधी देते हैं, अब उन्हें ये समझ में आ गया कि हिंदू समाज खड़ा हो गया और हिंदू समाज उनके मुंह पर तमाचा मारने का कार्य करने लगा, तो उन्होंने उन हिंदू समाज के डर से समाजवादी का राष्ट्रीय महासचिव का पद तो त्याग दिया, लेकिन मानसिकता आज भी वही है, उन्हें बता कर MLC पद भी छोड़ दिया तो विधानसभा में नहीं खड़े हो सकते, पैसा जो कमा रखा अपने काले धंधे हैं उनको कैसे बचाएंगे, तो केवल अपने आप को बचाने के लिए अभी भी MLC बचे हुए हैं, वरना उनकी मानसिकता तो आज भी वही है हिंदू विरोधी, और दिखाने को हिंदू समाज को कि नहीं मैं अब थोड़ा परिवर्तन ला रहा हूँ, इसलिए केवल उन्होंने अपना समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, वरना उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी थी रहेगी हमेशा। अच्छा, गठबंधन बना था भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन, वो तो लग रहा है कि बिल्कुल टूट चुका है क्या, या अभी भी लगता है मजबूत रहेगा? ये हिंदू समाज है, सनातन संस्कृति है, जो इसके सहयोग में रहेगा वो इस देश पर राज करेगा, बाकी कोई भी कितने भी लूट जितने भी चोर उचक्के जितने भी सब एकजुट हो जाओ, किसी को समाज स्वीकार करने वाला नहीं है, जो इस देश में सनातन धर्म की जय बोलेगा उसी की जय जयकार होगी, और भविष्य में वही इस देश में राज करेगा। ठीक है, हाँ चाचा क्या होगा इस बार 24 में? इस बार BJP जीतेगी, BJP सरकार बढ़िया सरकार है। अच्छा, अब विधायक तो समाजवादी पार्टी के चुने हुए हैं आपने यहाँ पर अपने भेंट में, बस ये सड़क नहीं हमारी पर वही फोर लाइन उन्होंने। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या सर 2009 में पास हुई, आज तक इस तरह ही बड़ी, सारे पेट भी कटवा लिए, बेच ही गए लोग। विधायक तो कहते हैं कि वो तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सत्ता में नहीं है तो इसलिए हमारे काम पूरी तरह हो नहीं पाते, क्या सही है ये बात? क्या नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, सबके काम हो रहे हैं। अच्छा, सबको मकान बनवा रही BJP, काम सही कर रही, कानून व्यवस्था सही है, बच्चों की रक्षा सही है, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत सही काम हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ। अच्छा, तो खुश है भाजपा सरकार से? क्या खुश है? अच्छा, कितने सीटें मिल जाएंगी इस बार इन्हें? सीटें 350 से ऊपर ही मिलेंगी, तो 400 कहने, 400 पार जाएंगे इस बार हम लोग, हो सकता है। अच्छा, जो गठबंधन बना था इसके बारे में क्या कहेंगे? गठबंधन तो बेकार हो गया सब। अच्छा, खत्म हो गया, खत्म हो गया गठबंधन। और लोग हैं उनसे बात जी, ये जो गवर्नमेंट टकिया लग रही ना, इन्हें सारी सड़क खराब कर रखी, इससे बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, चलिए बात करेंगे उस पर भी। और जी, ये मुर्तजापुर का पुल बनना बहुत लोग, हाँ वहाँ लोग बैठे हैं उस पर भी ना। जी जी, तो समस्याएं हैं कुछ इलाके की, जो लोग हैं बता रहे हैं कि वो समस्याएं वो दूर नहीं हो पा रही हैं, उसको लेकर भी लोग लगातार प्रयासरत हैं। इसके अलावा साफ तौर पर भेंट जो विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की नंबर विधानसभा कहलाई जाती है, साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, जो काम है सरकार के द्वारा किए गए हैं उससे लाखों लोगों को लाभ मिला है, और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से वो लोग केंद्र में फिर से भाजपा को चुनना चाहते हैं। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।